the Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा एक बार फिर से रविवार को आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज हम आपको बताएंगे खास खबरें, हमेशा की तरह आपको बताएंगे कि कौन कौन से देश 5G को लेकर साथ आ गए हैं। और भी खबरें हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारा द डॉन एक्सप्रेस का वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महामारी को लेकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश लगातार शासन प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसी बीच कोरोना काल में उन्नाव के एक इंजीनियर ने ऐसी डिवाइस बनाई है जो सोशल डिस्टेंसिंग को न केवल मेंटेन करेगी बल्कि दूसरे के करीब आने पर अलार्म बजाकर आपको और दूसरों को सावधान भी करेगी। उन्नाव के ये निवासी युवा इंजीनियर आशीष शर्मा IIT कानपुर के कार्यकर्ता हैं। जी हाँ, उन्होंने लॉकडाउन के समय घर में रहते हुए लोगों की मदद के लिए ये नायाब आइडिया निकाला और घर में छोटी सी लैब ही बना डाली। इसी लैब में उन्होंने एक घड़ी जैसी डिवाइस बनाई जिसे पहना जा सकता है। इस मशीन की लागत अभी तक 300 रुपये के आसपास आई है। भविष्य में अगर सरकार या बड़ी कंपनी इसे बनवाती है तो दाम और भी कम हो सकते हैं या ज़्यादा, ये कंपनी पर निर्भर करता है। जी हाँ, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आशीष जी को कि उन्होंने इतनी अच्छी डिवाइस बनाई। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम आपको बताएंगे कि 5G दूरसंचार तकनीक पर कौन कौन से देश आगे मिलकर साथ आए हैं। दरअसल इस नज़रिए पर एक साथ बढ़ने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आए हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र पर प्राथमिक रूप से फोकस करने वाले चारों देशों के संगठन ने रणनीतिक साझेदारी बनाने की चर्चा की। चारों देश के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। बिना चीन का नाम लिए अमेरिका ने डिजिटल संपर्क और सुरक्षित नेटवर्क की अहमियत बताई और इस पर भी चर्चा की कि भरोसेमंद वेंडरों, खासकर 5G जनरेशन नेटवर्क को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है, अमेरिका ने चीन के हुआवे दूरसंचार कंपनी पर सुरक्षा के मद्देनजर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका बाकी देश पर भी चीन की इस कंपनी पर पाबंदी का दबाव डाल रहा है। हुआवे भारत में भी 5G नेटवर्क के प्रसार को लेकर नजरें गाड़े हुए है। अब देखना होगा कि आगे क्या हुआवे पूरे विश्व में बैन हो पाएगी। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पुरुषों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जी हाँ, डॉक्टर बोल रहे हैं कि महिलाओं में पाया जाने वाला विशेष हार्मोन उनकी कोरोना वायरस से सुरक्षा कर रहा है। कोरोना संक्रमण का शिकार होने वाले पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में संख्या काफ़ी कम है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं के शरीर में पाया जाने वाला विशेष हार्मोन उनकी सुरक्षा कर रहा है। दूसरी वजह यह भी है कि महिलाओं को मानकों का सावधानी से पालन करती हैं। जी हाँ, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के एडवाइज़र ने भी कहा है कि महिलाओं में पाए जाने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन संक्रमण से बचाने में वरदान साबित हो रहा है। कोरोना के संदर्भ में अब तक कोई रिसर्च तो सामने नहीं आई है, लेकिन पिछले सारे रिसर्च ये साबित करते हैं कि इस हार्मोन के कारण महिलाएं गंभीर से गंभीर संक्रमण से बचाव के साथ हृदय रोग जैसी घातक बीमारी से भी सुरक्षित रहती हैं। ये जग जाहिर है कि महिलाएं ममता, करुणा और त्याग की प्रतिमूर्ति होती हैं, लेकिन ताज़ा सर्वेक्षण में पता चला है कि अपने अंगदान करने में पुरुषों से कहीं आगे रहती हैं। अहमदाबाद में प्रतिष्ठित किडनी अस्पताल से जुड़े अंगदान में एक अध्ययन में माना गया है कि महिलाओं के प्रति लैंगिक असमानता का खुलासा हुआ है। महिलाएं अंग प्रत्यारोपण के लिए पुरुषों से बहुत आगे हैं, लेकिन जब उन्हें अंगों की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें मिल नहीं पाते। ये भी देखने में आया है कि परिवार को अंगदान करने में बेटियों के मुकाबले बेटे आगे हैं। जी हाँ, 74.2% महिलाएं परिजनों को अंगदान करती हैं, लेकिन उन्हें महज 21.8% अंगदान ही मिल पाते हैं। 70% माताएं बच्चों को अंगदान करती हैं, जबकि 30% पिता ऐसा करते हैं। 75% दादी पोते पोतियों के लिए अंगदान करती हैं, जबकि दादा 25% ही करते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित ईश्वर जज आलूवालिया का शनिवार को निधन हो गया। लंबे समय से ब्रेन कैंसर से जूझ रही थी ये योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष आलूवालिया की पत्नी थी। दंपति के 2 बेटे पवन और अमन हैं। ईश्वर आलूवालिया 15 साल के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद की अध्यक्ष थी। पिछले महीने बीमार होने के कारण उन्हें पद से इस्तीफा दे दिया।
ईशर जज अहलूवालिया को अगस्त 2005 में सालाना आम बैठक में अध्यक्ष चुना गया था। हम उनके लिए शोक जाहिर करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान समेत वाहन दस्तावेज का रखरखाव 1 अक्टूबर से सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेज को निरीक्षण के लिए भौतिक रूप से दिखाने को नहीं कहा गया। साथ ही लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द या अयोग्य ठहराने की जानकारी भी पोर्टल पर रिकॉर्ड की जाएगी और इसे लगातार अपडेट किया जाएगा। तो सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय में केंद्रीय मोटर वाहन निगम 1989 के विभिन्न संशोधन किए गए थे और इसी संशोधन के जरिए पोर्टल के जरिए ई चालान और वाहनों के दस्तावेज का रखरखाव को अमल लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन के बाद उपजे हालात और कोविड-19 की मार के चलते पिछले साल जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग पटरी पर नहीं लौट पाया है। प्रवेश द्वार लखनपुर से कश्मीर तक पर्यटकों का टोटा है। प्रदेश में 15% तक पर्यटन उद्योग सिमट कर रह गया है। जम्मू कश्मीर में 2018-19 में 1,60,00,000 से ज़्यादा पर्यटक पहुँचे, वहीं 2020 में अगस्त तक सिर्फ 25,00,000 पर्यटक ही आ पाए। इससे उद्योग से जुड़े टूर एंड टैक्सी, कॉरपोरेट, होटल उद्योग, शिकार वाले, जी हाँ, हाउस बोट आदि बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रोजी रोटी को चलाए रखने के लिए कई मजबूरी में अपना कारोबार बदल चुके हैं। पर्यटन उद्योग के ठप रहने से सरकार को भी करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समय सीमा प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। दुकानदार मिठाई के बनने की तारीख भी लिख सकते हैं। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा द डॉन एक्सप्रेस के साथ। आभार। डेली हंट, डेली हो। नमस्कार।